पिरागढ़ी में स्थित मेडन क्राउन बैंक्यूट में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में आने वाले नगर निगम चुनाव पर चर्चा की गई, साथ ही और कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बीजेपी का कहना है कि आप पार्टी घोटालों से घिरी हुई सरकार है, वह लोगों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ऐसे में लोगों को समझाने का कार्य सिर्फ कार्यकर्ता ही कर सकता है। इसी को लेकर कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। सर, आज जिला कार्यकारिणी की बैठक थी। मोदी सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां की है देश को, तो आज इस कार्यकारिणी के अंदर आने वाली आगामी होने वाले हो जो उपलब्धियां हैं उसके बाद क्या नहीं, अभी ये इस कार्यकारिणी का संबंध केवल चुनाव से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है देश की जो समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करती रहती है, और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हर 3 महीने बाद। ये तो अभी कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था, नहीं तो हर 3 महीने बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी ये तय होती है। तो इसमें हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए जन के सहयोग के कार्यक्रम और देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा के तरफ अग्रसर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर के हम मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं, और साथ में जो दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है जो जन विरोधी कार्य कर रही है लगातार, उसका जनता इसे कोई सरोकार नहीं है, केवल अपनी पार्टी के वर्करों और साथ में जो है अपनी पार्टी के जो व्यापारियों से संपर्क हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है, उनका भी हम कार्यकारिणी में विरोध करते हैं, तथा आगामी जो हमने कार्यक्रम बनाए हैं उस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सर, जो कोविड के जो टीके लग रहे हैं वो केंद्र की योजना थी, लेकिन सारा श्रेय जो है इस समय आम आदमी पार्टी ले रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो श्रेय ले रहे हैं, क्या अपने मुंह से ले रहे हैं, लेकिन जनता को सब पता है। आज सोशल मीडिया है, टीवी है, आप जैसे पत्रकार हैं ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसी तरीके से हुआ था कोरोना काल के अंदर, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री राशन की व्यवस्था की थी ना, 8 किलो गेहूँ चावल दे रहे थे, तब भी जो है केजरीवाल कह रहे थे हम बांट रहे हैं। अभी डोर स्टेप डिलीवरी की बात आई तो उन्होंने अपनी फ़ोटो लगाकर बांटने की। आखिर केंद्र का राशन है, केंद्र के दिए द्वारा जो है सुविधाएं हैं उसको आप अपना करके करेंगे तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इसी तरह वैक्सीनेशन की बात है, पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन की बात की है, तो उसमें दिल्ली सरकार कहाँ से आ गई? वो तो केवल अपना पैसा लगा करके देश की गाड़ी कमाई का, दिल्ली की गाड़ी कमाई का पैसा अपने प्रचार पर, झूठा प्रचार पर लगाते हैं, लेकिन जनता समझदार है, वो सारी चीज़ें समझ रही है। सर, एक बात, सिर्फ दिल्ली के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दिल्ली वासियों से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली वासियों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंदित रहें, देश की राजधानी पर रह रहे हैं, लेकिन ये भी चीज़ देखें कि आपके लिए कौन काम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, नीचे हमारी नगर निगम काम कर रही है, लेकिन बीच में जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली सरकार लगातार छलावे का काम कर रही है और जन विरोधी कार्य कर रही है, ये दिल्ली की जनता को समझना होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।